वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन और दिग्विजय सिंह की शिकायत की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि जिस तरह से मुरैना के केलारस में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की है और प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के खरीद फरोख्त वाले बयान पर सबनानी ने कहा कि दिग्विजय सिंह झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसकी उन्होंने शिकायत की है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल केलारस की एक सभा में जिला मुरैना में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के जन जन के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रति अति गंभीर टिप्पणियां करके मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को गरमाने का, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने त्रेता युग में चाहे वो मारीच का उन्होंने बताया हो, द्वापर युग में उन्होंने कंस की बात कही हो, या महाभारत के युद्ध में शकुनी की भूमिका की बात कही हो, उसी को जोड़ते हुए काफी निर्लज्ज तरीके से उन्होंने माननीय शिवराज जी पर कटाक्ष किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण वातावरण को कांग्रेसी नेताओं को आगाह करते हैं कि इसको बिगाड़ने का प्रयास न करें, चुनाव चुनाव के तरीके से होगा। इसलिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उसको शिकायत की है कि ऐसे लोगों की जवान पर ताले लगना चाहिए और वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए।